सोलन में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। पहले तो ये सिर्फ शहरों में था, लेकिन अब तो दर्जनों गांव इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। शादियां और कई तरह के समारोह कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में विशेष योगदान दे रहे हैं। पहले तो केवल संक्रमित व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर में रखकर उसे उपचार दिया जाता था, लेकिन अब संक्रमितों की संख्या ज्यादा बढ़ने की वजह से उन्हें घरों में भी पृथक रखा जा रहा है। बढ़ती संख्या को देखकर अब प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। खुद उपायुक्त सोलन केसी चमन ने सोलन बाजार का दौरा किया और बिना मास्क लगाने वालों को जागरूक करने के साथ साथ चालान कर उन्हें नसीहत भी दी। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण लोगों की लापरवाही है। शहर में लोग बहुत अधिक संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जनता मास्क नहीं लगा रही, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यही वजह है कि कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब कोरोना को नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर अभियान चलाया है, जिसमें वे उन सभी स्थलों का दौरा करेंगे जहां लोग अधिक मात्रा में जुटते हैं। उन क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इस बात पर विशेष नजर रखी जाएगी। जो भी कोताही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। आप सब लोगों को विदित है कि अभी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, सोलन शहर में काफ़ी केसेस आ रहे हैं, और वैसे भी शादी समारोह जो भी इवेंट्स हो रही है ज़िले में, उसके ऊपर प्रशासन और पुलिस लगातार नज़र रखे हुए हैं। और ये हमने देखा है कि लोगों में बहुत ढिलाई है मास्क पहनने के और दुकानदारों में, और ये हम इसको कड़ाई से पूरे सोलन ज़िला में ये अभियान चला है सतत, कि अधिकारियों की टीम निकलेगी और इसको सख्ती से जो लोग मास्क नहीं पहने उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। आज मैं और एसपी साहब सोलन में निकले हैं, हमने पूरा बाज़ार का भ्रमण किया, देखा है कि हमने लगभग 90% लोग मास्क पहन के ठीक है, कईयों ने लटका के रखे हैं। आज हमने काफ़ी लोगों को सचेत किया, जो बिल्कुल ही बार बार करके कुछ लोगों के चलान भी किए गए, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये अभियान सतत चलता रहेगा। और लोगों से हमारा यही आग्रह है कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है, संक्रमण होगा तो आपका होगा। तो अगर घर में कोई आपके घर में शिशु है, बुज़ुर्ग हैं, और कोई ऐसे भी मरीज़ है कोमॉर्बिड, वो अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो घर में जाकर वो संक्रमित हो जाएंगे, डेथ्स भी बढ़ रही है। तो कोरोना एक बहुत भयंकर बीमारी है, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। जबकि अभी आप रिसेंटली सारे सब देख रहे हैं, मौतें हो रही, अचानक मौतें हो रही है, ये क्यों है कि हर एक लोग इसको मतलब सहजता से ले रहे हैं, बड़े साधारण तौर पर कुछ नहीं होता, ये नहीं है। तो अब हमने बड़ी सख्ती से इसको लिया है, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी तो हमने कईयों को वार्निंग दी है, उसके बाद पुलिस की टीम, प्रशासन और हर एक जगह, हर एक शहर में सोलन के, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अधिकारियों की टीम आएगी, समय समय पर ये इसको चालान करेगी और ये सुनिश्चित करेगी हर एक आदमी जो बाहर है तो मास्क पहन के रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। और वहाँ पे हमने देखा है सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो, हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ जेब में रखें। यही तीन सूत्र है जो बचाव के तरीके हैं, और ये अभी तक प्रूव हो गए पिछले 10 महीनों में। जिन लोगों ने इसका पालन किया है वो बिल्कुल सुरक्षित है, जिन लोगों ने थोड़ी भी ढिलाई की वो संक्रमित हुए और उनका पूरा परिवार इस खतरे में चला गया। तो ये आप लोगों के मानस पे आग्रह है, और ये लोगों से यही निवेदन है कि पूरा जो कोरोना प्रोटोकॉल है, सरकार के दिशा निर्देश है, उसका सख्ती से अनुपालन करें।